मध्य प्रदेश मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ को शनिवार को हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में परिवर्तित होने से फिर उत्तरी हवा चलने लगी है। रविवार को नए साल के पहले दिन पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों की तरफ चलने वाली बर्फीली हवाओं के असर से पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी और शीतलहर का भी असर दिखाई देगा। तो बता दें कि नए साल की शुरुआत कोहरे और शीतलहर के साथ हो रही है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके बाद 3 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 10 जनवरी के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। वहीं नए साल के पहले महीने में नए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के आसार हैं, जिससे आने वाले दिनों में भोपाल समेत प्रदेश भर में अच्छी ठंड पड़ सकती है। इसके चलते शीतलहर के असर के साथ रात का पारा 8 डिग्री और दिन का पारा 21 डिग्री तक रहने की संभावना है।